नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने वेटनरी ऑफिसर्स की भर्ती निकाली हुई है, जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक इन फॉर्म्स को नहीं भरा वो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके सारी डिटेल जान सकते हैं और इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट भी इन फॉर्म्स के लिए एलिजिबल है वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म सबमिट कर दें और अपने आगे की प्रिपरेशन को शुरू कर दें। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इसका सही जवाब है 135 चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर के 54 यानी कि 54 पेट्रोल पंप्स पे जो चार्जिंग स्टेशन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से स्थापित किए जाएंगे। इन 54 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के अलावा 81 यानी कि 81 चार्जिंग स्टेशन अन्य साइटों पर स्थापित किए जाएंगे। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मालिकों को प्रदेश भर में इस व्हीकल को चार्ज करने में परेशानी नहीं आएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी पेट्रोल भरवाने की तरह जगह जगह चार्जिंग की सुविधा मिले, इसके लिए विभाग ने यह कुल 135 चार्जिंग स्टेशनों की जगह फाइनल की है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश भर में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने जा रहे हैं। यह ग्रीन कॉरिडोर और कुछ नहीं मात्र एक रोड है जिन पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन हो चाहे वो अन्य प्रकार की कोई सुविधा। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने टेट 2023 नवंबर दिसंबर की नोटिफिकेशंस निकाल दी है, उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं और इन फॉर्म्स को फिल भी कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही जवाब है 30 लाख रुपए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार अपने जवानों को जिन्होंने युद्ध में प्राण नुशावर कर दिए हैं उनको एक्स ग्रेशिया ग्रांट के रूप में अब 20 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए की राशि देगी। प्रदेश सरकार ने इन सैनिकों के आश्रितों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस एक्स ग्रेशिया ग्रांट में 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ साथ सर्विस के दौरान सामान्य मृत्यु पर भी सैनिक के परिवार को 5 लाख रुपए की जगह अब 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर आपको दोस्तों एक्स ग्रेशिया ग्रांट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स ग्रेशिया का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को कुछ पेमेंट या राशि दी जाती है लेकिन उसका इस राशि पर कोई अधिकार नहीं होता तो उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट कहते हैं। इसमें किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्ट के बिना उस व्यक्ति को मदद की भावना से पैसा दिया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है, यानी कि अब बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, सो आपको पढ़ते रहना है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ी रितु नेगी किस खेल से संबंध रखती है। तो इसका सही जवाब है कबड्डी से। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ी रितु नेगी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों उनकी कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। रितु नेगी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र से संबंध रखती है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि इस महिला कबड्डी टीम में रितु नेगी के अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 अन्य महिला खिलाड़ी भी हिस्सा थी, जिसमें रितु नेगी के शिलाई क्षेत्र से ही संबंध रखने वाली 2 अन्य खिलाड़ी सुषमा शर्मा व पुष्पा राणा और बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाली ज्योति ठाकुर और सोलन जिला से निधि शर्मा का नाम शामिल था। हिमाचल प्रदेश की इन 5 महिला खिलाड़ियों और इस टीम की अन्य खिलाड़ियों की मेहनत के बदौलत भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और गोल्ड मेडल के साथ वतन वापसी पर इनका जोरदार स्वागत किया गया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको और अन्य
टीमें जो कि एशियन गेम्स में मेडल जीत के लाई है उनको मिलने का न्योता भेजा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।